सत श्री अकाल जी सारे नू, वेलकम अगेन ऑन बासी व्लॉग। होप तुसी सारे कैंट होवोगे। तो मैं वैसे दमन नू कहा सीगा कि दमन चलो आप व्लॉग शुरू करते हैं, तो दमन अपना बुगना वॉश करन चली गई है, क्योंकि दमन कहती है कि मेरा बुगनू बहुत गंदा आ रहा मासी। तो मैं कहती व्लॉग नहीं शुरू करना, तुसी करो। तो टाइम हो गया जी 3:20 का, तो मैं स्कूल तो आ गई, रोटी मैं खा ली आके, तो हुण असीं वेट कर रहे हैं फतेह हुणां दी। तो उस तो बाद ही जदों फतेह हुणी आणगे फिर ही असीं उन्हां दा दुध बनावांगे, तो नाल ही असीं अपनी चाह बनावांगे। तो संगरूर तो मैं आ गई सी, सैटरडे नूं वापस आ तो गए हैं, बट पिंड ना कोई नैट चल रहा ना कुछ होर, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। ईवन फोन पर गल भी नहीं हुंदी हैगी किसी दा, जो फोन आ जांदा आ तां उस चीज़ करके इरीटेशन जी हो रही है। उत्थे चलो नैट नुट जिहा चली जांदा सीगा, चलो हुण की कर सकदे आ। अब आ गए हैं वापस तो रहना पड़ेगा। उत्थे भी दिल जिहा लग गया सीगा, संगरूर भी वधिया आदत जी पै गई सीगी। तो हुण अज तां बिल्कुल भी नैट चल रहा, बिल्कुल भी रेंज नहीं आ रही नैट की। मैनू नहीं पता है, मैं ब्लॉग बना तो रही हूँ, पता नहीं तुहाडे तक पहुँचूगा कि नहीं पहुँचूगा, रब जानदा आ। तो जहाँ साडा दमू जानदा आ, है दमू कुट खानी है, कुछ नहीं बोलन दी मैं। नहीं वैसे तो मैं गुस्सा आवे तो ना आवे, पर जो आ जाता तो कंट्रोल भी मैं कर लैनी हाँ, पर जो आता तो यार आता बहुत है। हुण मैं फिलहाल मैं इंटरनेट पर बहुत गुस्सा आ रहा, भी इंटरनेट नहीं चल रहा यार, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, वाईफाई भी बंद है ईवन, तो बंदा दसो की करे। दमन ने कदों का दिमाग खराब किया, नीलो वाल वाली सड़क पर चलता, नीलो वाल वाली हुण मैं दस कुर्सी लैके उत्थे नहीं जावा, बाहर धुप हैगी है पर नहीं जी कर रहा धुप्पे जान का, बस चाह बना के अपने कमी धंधी लगते हैं। हुण फिर रोज वाले मैं रोटी बनाने लगी हाँ, मैं आ कर लगी आई तुहानू ब्लॉग देखने मिलणगे, ठीक है। फिर साडी उही रूटीन शुरू हो गई है, बस 16 पता नहीं 20 मार्च तक साढ़े एग्जाम वगैरह खत्म हो जाने हैं, उस तो बाद देखते हैं, मे बी आफ्टर एग्जाम्स मैं जाऊँगी मम्मी को, बाकी देखते हैं टाइम आऊगा। ये टाइम ही है जिहड़ा सारा कुछ बंदे नूं दसदा आ, टाइम ही है। 2 साल हो गए डिक्की जाने, कदों कट्ठे होवांगे, हर रोज़ इदा ही निकल जाता कह कह के कि अज बन जू, अज बन जू कम, अज बन जू कम, रब ही जानता यार। हुण तां फतेह हुणी आ गए, लै दमू। दीदी वाले क्रियॉन्स करे छड्ड आयो कि बैग च ने, ओ शिट, कोई नहीं मेरे को कलर स्प्रे लै जाओ, पहले बोलो हैंड जोड़ के सत श्री अकाल जी सारिया नू। इधर प्रनीत नू भी बोलो, निकू जिहा लग रहा प्रनीत। अज किदां रहा सी स्कूल दा दिन दसो, वधिया रहा सी? मैनू पिछे कर दिया करो, जाना तुसी आके, तुसी आ जांदे हो मैनू जान च, जान आ जांदी है मेरी, है टिंडीए ओ मेरी टिंडी। मैं ना वेट कर रहा सी, मैं क्या मैं चाह दूध फेरी मऊंगा, मेरिया जाना आ जान। की हो गया अज बड़े ढिले ढिले जे हो? हां जी खांसी हटी नहीं है, हैं क्यों, क्या हो गया बेटे, आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? ये सैड होने का हक सिर्फ मुझे दिया खुदा ने। स्कूल से ठीक रहता बंदा घरे आके। एग्जैक्टली 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 मैं ही कहना चाहती सीगी। एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली होता, एग्जैक्टली हरेक दी प्रोनंसिएशन अलग अलग होंगी, हरेक बंदा आपकी मर्जी के नाल बोल प्रोनंसिएशन दी स्पेलिंग सुनायो। लिखा हुआ है कितने भी नहीं लिखा हुआ कि तुसी इदा बोलना है कि तुसी इदा बोलना है, जिदा तुहाडा जी करदा तुसी ओदा बोलो, ठीक है। अभी ना किस पर तरिया करो, ठीक है। हुण प्रोनंसिएशन दी स्पेलिंग दसो, प्रोनंसिएशन दी स्पेलिंग कुछ भी। हुण असीं पहला करांगे फतेह दीआं नोट्स चेक, जे
ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚਿਆ 15-0 ਫਤਿਹ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਮਰੇਲਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸੀ ਆ ਗਏ ਕਿਚਨ ਚ ते किचन च एक पासे मैं करांगी मखाने फ्राई क्योंकि बच्चे कहिंदे सी दुध नाल खाने आ मखाने ते एक पासे मैं अपनी बनाऊंगी चाह ते एक पासे मैं बनाऊंगी बच्चियां वास्ते दुध गासी पर पहला उन्हां नूं मैं मखाने फ्राई करके दवां कमन ओए ते कम कह रहे सी कि करके गए ने बट मैनूं लगन नहीं दिया कम हैल्पर दे नाल हैल्पर दे कोल खड़ना पैंदा तां ओह आराम नाल कम करदे ने हाँ मुद्दे तेनू मैं क्या चाह बना तू है होर ही पास तुरै फिर फतेह मेरी जान तुसी की करना है किचन च हाँ जी मैं पता तुसी पुठे पंगे लैने ने तुसी बहुत खराब हो तुसी बहुत खराब हो है लत फट के रख मैं रख दी चल अज दमू दी आपां ड्यूटी लाने घो तो पाया नहीं घो पाना पहला फड़ आ फड़ तू वड्डी सियाणी बेबे मम्मा ने घेंट बनाए हां गुड़ वाले घेंट बने टाइम ही नहीं है अपने वास्ते ते तेनू की लगता मैं की कहा लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए उपर यार इंटरनेट भी नहीं ना चलता कि अगर राजे का फोन आता बलिंदा का फोन आता किसी ना चंगी तरह गल नहीं होती कि गुस्सा आता फिर यार चको जी हम फ्राई हो ही रहे तो सारे ही खान गए एक दीदी ने बनाए थे मखाने उ गुड़ वाले वह पूछा कि दीदी ने किदा बनाए वह भी बनावे वैसे तो कोशिश यही होंगी है कि मिठा अवॉइड करिए पर बंदा की करे एक जिंदगी भी पंगा जहा डाइटिंग कर लिए तो ढिड मोटा हो गया तो लोग इन्ना कुछ खाते उन्होंने तो लगता नहीं हाडे अगर पानी पीते ढिड बोले हमें है ना दमू कितने जाए बंदा हम मैं सोच रही मैं मार्च महीना रोक ही जावा मैं फिर ही डाइटिंग शुरू करा जो मैं स्कूल तो हट गई पर मैं थोड़ी टेंशन फ्री रहूँगी कहते स्ट्रैस न भी बंद का ढिड मोटा हो जाता रब ने भर रखी है मेरे च बहुत ज्यादा बोलना घट थोड़े गले च नहीं होर भी बथेरे लोग ने होर भी बथेरे लोग दुनिया तो मेरे अगे बथेरे चल दमू मैं एक पासे चाय 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 ही करा दमू फ्राई पैन चाय वाला तोता होना आ पे किथे जो तू हेल्पर आई ही दमन तू कर ही ना सुती पई सी बाहर ही तो मैं गल है मजाक कर रही हूँ मैं तो करी सी अज तो मैं छेती उठ गई सी नींद जी नहीं आई मैंने सवेरे इतने तुम सवेरे सवेरे चू चू लाती सी अलमारी जी पता कितना गुस्सा चढ़ रहा है जी कह रहा उठ के लड़ा मैं थोड़े नाल मैं सुती पई पता सुता पया मासी ने जान बूझ के गेट नु चू 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 क्यों बंदा अपनी नींद क्यों खराब करे है? बंदा अपनी नींद क्यों खराब करे ते बंदा अपना जेड़ा बंदा उठया उने तैयार ती रहना सारा कुछ वो बंदा क्यों अपना खराब करे ते बाहर जाके भी तो हो सकदा तैयार हो कर रूम अपने रूम दे रूम दे घाट है अपने घर बाहर सारा सामान पया हुंदा है सामान ले जाओ एक बार ठीक ते हो जाओ बाहर तैयार क्यों ले जाओ क्यों ले जाओ मेनू नहीं पसंद मेरे नाल ना आर्गुमेंट ना करो मेनू अपना रूम च तैयार होना पसंद है ठीक है ना मैं बस सुनती नहीं आज तो बाद हां नहीं तुसी कहंदे हो दमू मेरा दिल लगे रहंदा जे सो जा लड़ ले मैं लड़ी रही हूं बेटा मेरा तो दिल हुन लगदे मेरा दिल किथे नहीं लगदा हुन ठीक है ठीक है मेरा तो दिल ही नहीं लगदा हुन
ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ 5 ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇ ਬੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਲੋ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੂਗਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਗਰਾਈ ਕਰਿਓ ਗੇਅਰ ਕਰਿਓ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਗੋਗ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਰਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ